हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वेइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग एक आर्ट एंड साइंस होता है जिससे मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो रिलेटिव पोजीशन होती है वेरियस पॉइंट स्टेशन की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय मेजरिंग करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस एंगल एंड टेक करके डिटेल ऑफ दिस पॉइंट्स एंड बाय प्रिपेयर करके मैप और अ प्लेन टू किसी भी एक सुटेबल स्केल पे। तो अब सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव होता है सर्वे का, वो हमें एक मैप बनाना होता है, एक प्लान बनाना होता है जिससे कि हम एक रिलेटिव पोजीशन बता सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की अर्थ के सरफेस पे। तो एक मैप और एक प्लेन को हम एक सम सुटेबल स्केल पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हम बाउंड्रीज दिखाते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट की या किसी भी कंट्री की। सो यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं इसके वो डिफरेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे, डैम्स, कैनाल एट्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की यूजेस क्या होते हैं सर्वे के? सर्वे को यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पसेस में, लाइक टोपोग्राफिकल मैप को जब हम बनाते हैं तो उसमें सर्वे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो एक टोपोग्राफिकल मैप हम जानते हैं कि वो शो करता है हिल, वैली, रिवर, फॉरेस्ट, विलेजेस, टाउन्स एट्सेट्रा। बट जब हम एक क्रेडेस्टल मैप बनाते हैं तो यहाँ पे हम फील्ड्स, रोड्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो यहाँ पे भी सर्वे का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। देन जब हम कोई भी इंजीनियरिंग मैप बनाते हैं तो इसमें हम पोजीशन शो करते हैं इंजीनियरिंग वर्क की, सच एज बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे, डैम्स, कैनाल्स। देन अगर हमें कोई कंट्यूर मैप बनाना है तो इसमें हमें टोपोग्राफी ऑफ एरिया पता होना चाहिए। हम बेस्ट पॉसिबल साइट को फाइंड आउट करते हैं फॉर रोड्स, रेल, ब्रिजेस, रेलवे, कैनाल्स एट्सेट्रा। तो इसमें भी सर्वेइंग का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। देन सर्वे को आल्सो हम यूज़ करते हैं मिलिट्री मैप, जियोलॉजिकल मैप एंड आर्कियोलॉजिकल मैप्स में भी। बट अगर हम कोई वर्क में बैठे हुए हैं एंड हमें कोई ट्रांसफ़र करना है डिटेल्स फ्रॉम अ मैप जो कि हमने ग्राउंड से लिए है, अगर हम कोई फील्ड वर्क कर रहे हैं और हमें उस ग्राउंड की डिटेल्स को मैप में दर्शाना है तो हम सर्वे के हेल्प से ये कर सकते हैं। तो हम डेटा को विद द यूज़ ऑफ सर्वे कलेक्ट करके मैप में शो कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी सर्वे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। देन व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे? दे आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। फर्स्ट, ऑलवेज वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि एंटायर एरिया या कोई लार्ज एरिया या टाउन या फील्ड है उसको सर्वे करना फर्स्ट। यानी कि एक सिस्टम होता है कंट्रोल पॉइंट का जिसको हम इस्टेब्लिश करते हैं जो कि पूरे एरिया को कवर करता है वेरी हाई प्रिसाइजन से। यहाँ पे जो मेन फ्रेमवर्क होता है वो पॉलीगॉन या ट्रायंगल बनाना होता है। यहाँ पे जो मेन फ्रेमवर्क होता है उसको हम छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं डिटेल सर्वे के लिए, जैसे कि ये जो इमेज है आपके सामने यहाँ पे दिखा रखा है। तो पहले तो हमने एक बड़े से एरिया पे पॉइंट्स बनाए, कंट्रोल पॉइंट्स बनाए, फिर उसमें हमने उसको सब डिवाइडेड कर दिया स्मॉलर एरियाज में डिटेल सर्वे के लिए। सो जो प्रिंसिपल प्रिवेंट्स होते हैं एकुमुलेशन होना एरर्स का सर्वे में एंड लोकलाइज करना जो एरर्स होते हैं मेजरमेंट हमें, देन प्रिवेंट करना अपने वर्क को जो कि बिकम अनकंट्रोलेबल होता है। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट्स को लगाते हैं तो इसमें हमें कुछ कुछ एरर्स देखने को भी मिलते हैं, कुछ कुछ एरर्स हम कर देते हैं, लाइक एरर्स होना मेजरमेंट में। जब हम कोई वर्क करते हैं तो ये अनकंट्रोलेबल होता है तो हम इस एरर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, हम कोई न्यू स्टेशन को लोकेट करें टू मेजरमेंट में एटलीस्ट एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट से। अगर पॉइंट पी एन क्यू हो तो इसको हम बोलते हैं एज अ पोजीशन ऑफ आर जो कि हम डन करते हैं, यानी कि जो टू लेंस हैं लाइक पी एन क्यू आर जो कि दिखाया गया है फिगर नंबर ए में, देन परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है आर एस एंड डिस्टेंस क्यू एस का जो कि दिखाया गया है फिगर नंबर बी में, देन एंगल एट क्यू एंड लेंथ क्यू आर दैट इज़ फिगर नंबर सी एंड एट एंगल क्यू एंड पी डेट इज़ फिगर नंबर डी एंड एंगल एट क्यू एंड लेंथ पी आर डेट इज़ फिगर नंबर ई।
तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हम कैसे न्यू न्यू स्टेशन को लोकेट कर सकते हैं बाय टू मेजरमेंट करके एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट में। अब आता है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? लेवलिंग एक ब्रांच होती है सर्वे की, जो कि डील करती है मेजरमेंट करना, जो रिलेटिव हाइट होती है डिफरेंट पॉइंट से अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। सो लेवलिंग एक मेजरमेंट होता है एलिवेशन का, जिसको हम वर्टिकल प्लेन से लेते हैं। जो ये इमेज है यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एक इंजीनियर है जो कि लेवलिंग का यूज़ कर रहा है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग में भी क्लासिफाइड होती है फर्स्ट इनटू फर्स्ट का क्लास की जो कैटेगरी होती है, इसमें आ जाती है हमारी प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग। वी नो डैट कि जो शेप ऑफ अर्थ है वो स्फेरॉइडल है, तो जो सरफेस है वो कर्व्ड है ऑर्बिट। तो सरफेस जो है वो प्राइमरली डिवाइड होता है टू टाइप्स में, जब हम अर्थ के सरफेस के कर्वेचर को लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग एक टाइप ऑफ सर्वेइंग होता है जहाँ पे अर्थ के सरफेस को एज अ प्लेन कंसिडर किया जाता है एंड यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर किया जाता है। इस टाइप के सर्वेइंग में हम लाइन को ज्वाइन करते हैं किसी भी टू स्टेशन के बीच में एंड कंसिडर करते हैं कि वो स्टेट स्टेट हो। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं 3 पॉइंट्स का, जहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं एज अ प्लेन ट्रायंगल एंड यहाँ पे जो एंगल होता है ट्रायंगल का उसको कंसीडर करते हैं एज अ प्लेन एंगल। तो सर्वे को कैरिड आउट किया जाता है किसी छोटे एरिया से जो कि लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर का हो एंड इसको हम कैरिड आउट करते हैं बाय लोकल और स्टेट एजेंसीज द्वारा, लाइक R&B डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये रेलवे डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जो फिगर है यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने पहले तो टू पॉइंट्स बनाए A एंड B, जहाँ पे हमने एक लाइन खींची एंड देन हमने फिर दूसरा पॉइंट बनाया BNC एंड ऐसे करके हमने तीसरा पॉइंट बनाया CNA, जिससे कि हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब ये जो बीच वाला जो एरिया है वो हमारा प्लेन एरिया है जहाँ पे हम सर्वे करेंगे। देन सेकेंड इज जियोडिक सर्वे। जियोडिक सर्वेइंग एक अनदर टाइप की सर्वेइंग होती है जहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम एज अ काउंट लेते हैं, बट ये एक्सटेंड होती है लार्ज एरिया तक। यहाँ पे लाइन जो होती है वो ज्वाइन करती है स्टेशन में एज अ कर्व लाइन। जो पहले वाला जो प्लेन सर्वेइंग था, यहाँ पे हमने लाइन को एज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन किया, लेकिन जियोडिक सर्वे के केस में हम लाइन को एज अ कर्व लाइन ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम इस केस में भी हम ट्रायंगल बनाते हैं 3 पॉइंट्स के बीच में, जिसको हम एज अ स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, और जो एंगल होता है ट्रायंगल का उसको हम एज अ स्फेरिकल एंगल कंसिडर करते हैं। सो जियोडेटिक सर्वेइंग को सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है जो कि टोपोग्राफिकल मैप बनाता है एंड इसको कैरिड आउट किया जाता है लार्ज एरिया में जो कि 250 किलोमीटर से ज़्यादातर एक्सीड करता है। लेकिन प्लेन सर्वेइंग के केस में जो एरिया होता है वो 250 किलोमीटर से कम होता है, लेकिन जियोडेटिक सर्वे में हम लार्ज एरिया को कवर करते हैं, इसलिए इसका जो एरिया होता है वो 250 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सीड करता है। तो ये जो फिगर है यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने यहाँ पे कर्व लाइन कर्व पॉइंट्स को ज्वाइन किया है ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके ए तक, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है। तो इस ये जो बचा हुआ जो एरिया है ये हमारा मेन पॉइंट है सर्वेइंग का, जो बीच वाला जो एरिया आप देख रहे हैं। देन वी हैव सेकेंडरी डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग। अब यहाँ पे जो सर्वेइंग है उसको वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यूज एंड द नेचर ऑफ फील्ड। सो फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट वन इज अ चेन सर्वे। ये एक सिंपलेस्ट टाइप का सर्वे होता है जहाँ पे सिर्फ लीनियर मेजरमेंट बनाया जाता है विद अ चेन और अ टेप। यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट को नहीं लिया जाता। देन सेकेंड इज अ कंपास सर्विंग। इन कंपास सर्विंग एंगल को मेजर किया जाता है मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। थर्ड टाइप ऑफ सर्विंग इज अ चेन एंड कंपास सर्विंग। इन दिस सर्विंग यहाँ पे मेजरमेंट को चेन से भी लिया जाता है और टेप से भी, दोनों का यूज किया जाता है यहाँ पे
एंड एंगुलर मेजरमेंट किया जाता है विद कंपास। देन यहाँ पे फोर्थ टाइप ऑफ सर्वेइंग इज अ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये ग्राफिकल मेथड होता है सर्वेइंग का इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉट करना बोथ आर डन किया जाता है साइमल्टेनियसली। देन फिफ्थ वन इज अ थेडलाइट सर्वेइंग। थेडलाइट सर्वेइंग का मेनली यूज जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग पर्पस में बहुत ज़्यादा होता है, और मेनली इसका यूज जो होता है वो मेजरमेंट करने के लिए होता है ग्राउंड स्टेशन पॉइंट्स जो कि हम फील्ड में करते हैं। सो इन थ्रेडलाइट सर्वेइंग जो हॉरिजॉन्टल एंगल्स होते हैं यहाँ पे हम इसको मेजर करते हैं विद थ्रेडलाइट, एंड ये मोर प्रिसाइजली होता है देन अ कंपास, एंड लीनियर मेजरमेंट यहाँ पे बनाया जाता है विद अ चेन और टेप। देन वी हैव टैचोमेट्रिक सर्वेइंग। ये एक स्पेशल टाइप का थ्रेडोलाइट होता है, ये भी एक थ्रेडोलाइट के ही टाइप का सर्वे होता है जिसको हम बोलते हैं द टैचोमीटर। इसको हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को इनडायरेक्टली। देन द सेवन टाइप ऑफ सर्वेइंग इज अ लेवलिंग सर्वे। दिस टाइप ऑफ सर्वे को हम यूज़ करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, उसके एलिवेशन रिलेटिव हाइट ऑफ द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज अ लेवल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड अपॉन द मेथड्स। बेस्ड अपॉन द मेथड वी यूज वी क्लासीफाई द सर्वे इंटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ ट्रेंगुलेशन। तो ट्रेंगुलेशन एक बेसिक मेथड होता है सर्वे का जहाँ पे एरिया का जो कि हम सर्वे करते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। यहाँ पे ट्रेंगल को हम अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पे हम एंटायर एरिया को डिवाइड करते हैं ट्रेंगल्स के नेटवर्क में। देन सेकेंड वन इज अ ट्रांसवर्सिंग। अ ट्रांसवर्सिंग एक सर्किट होता है सर्वे लाइन्स का, ये में भी ओपन और क्लोज होता है, बट वेन जब हम लीनियर मेजरमेंट को डन करते हैं विद अ चेन और अ टेप, सो यहाँ पे जो डायरेक्शन और ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल्स होते हैं इसको हम कंपास से मेजर करते हैं और थर्ड लाइट से, तो रिस्पेक्टिवली इस सर्वेइंग को हम एज अ ट्रांसवर्सिंग कहते हैं। देन द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पर्पस। वी आर क्लासिफाइड द सर्वेइंग इंटू फाइव टाइप्स। द फर्स्ट वन इज जियोलॉजिकल सर्वे। इन दी बोथ द सर्फेस एंड सब सर्फेस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है टू लोकेट करने के लिए जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं एंड रॉक्स होते हैं, एडिशन जो जूलॉजिकल फीचर्स होते हैं टेरेन के सच एस फोल्ड हो गए, फॉल्ट हो गए, वो लोकेट होते हैं। माइन सर्वे क्या होता है? माइन सर्वे में इंक्लूड होता है बोथ द सर्फेस एंड अंडरग्राउंड सर्वे। इसको कंडक्ट किया जाता है एक्सप्लोरेशन करने के लिए ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स एंड ग्रेडिंग टनल्स एंड अदर ऑपरेशन एसोसिएट विद माइनिंग। इस सर्वे का मेनली यूज जो होता है वो जियोलॉजी में बहुत होता है। देन थर्ड वन इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो कि हिस्ट्री में बहुत यूज होता है इस टाइप के सर्वे का, और इसको हम कंडक्ट करते हैं लोकेट करने के लिए रिलिक्ट ऑफ एंटिक्विटी, सिविलाइजेशन, किंगडम, फोर्ट्स, टेम्पल्स एटसेट्रा। देन द फोर्थ टाइप ऑफ सर्वे इज मिलिट्री सर्वे। यहाँ पे मिलिट्री पर्पस में इस टाइप के सर्वे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती है मिलिट्री में। एरियल सर्वे जो कि हम डन करते हैं, जो कि हमने रिमोट सेंसिंग में पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंडर कि एरियल सर्वे क्या होता है, तो एरियल सर्वे को हम एज एडवांस सर्वेइंग भी जानते हैं, एडवांस सर्वे के नाम से भी जानते हैं। तो एरियल सर्वे को हम कंडक्ट करते हैं इस पर्पसेस के लिए। यहाँ पे हम लोकेट करते हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को फॉर द पर्पस ऑफ आर्मी ऑपरेशंस। देन द फिफ्थ टाइप ऑफ इज इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे जो होता है वो मैंडेटरी होता है प्रिपरेशन करने के लिए डिज़ाइन ड्राइंग रिलेट टू कंस्ट्रक्शन वर्क सच एज रोड, डैम्स एंड एयरपोर्ट। ये जो सर्वे होता है वो नॉर्मली लार्ज स्केल में होता है, जहाँ पे जो स्केल होता है वो 1:500 से लेके 1:1000 तक होता है, जो कि बिकम मोस्ट पॉपुलर होता है। देन द फोर्थ टाइप ऑफ सर्वे इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड। द फर्स्ट वन इज अ लैंड सर्वे। लैंड सर्वे को हम डन करते हैं लैंड पे, जहाँ पे हम एक प्लान बनाते हैं और एक मैप बनाते हैं गिवन एरिया का। तो यहाँ पे टोपोग्राफिकल, सिटी एंड क्रेडिस्टल सर्वे जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं लैंड सर्वे के, तो इन सब चीज़ों के लिए हम बेसिकली लैंड सर्वे का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड वन इज़ हाइड्रोलॉजिकल सर्वे।
हाइड्रोलॉजिकल नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये वाटर से रिलेट करता है। तो इस टाइप के सर्वे का मेनली यूज़ होता है हाइड्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक रिसर्च में। तो ये टाइप के सर्वे को हम कंडक्ट करते हैं ऑन और नियर द बॉडी ऑफ वाटर सच एज लेक्स, रिवर, कोस्टल एरिया। तो सर्वे कंसिस्ट करता है लोकेट करने में जो शोर लाइन्स होती हैं वाटर बॉडीज की। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज थर्ड टाइप ऑफ सर्वे। इस टाइप के सर्वे का यूज़ होता है मेनली एस्ट्रोनॉमी में। यहाँ पे सर्वे को हम कंडक्ट करते हैं बाय डिटरमाइन करके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एजिमथ्स, लोकल टाइम, जो वेरियस प्लेसेस होती हैं अर्थ की, बाय ऑब्जर्व करके हेवनली बॉडीज को। अब हेवनली बॉडीज क्या होती है, लाइक सन हो गई, स्टार्स हो गई। एरियल सर्वे क्या होता है, एंड एरियल सर्वे को एयरक्राफ्ट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो एयर कैमरास, एरियल जो कैमरास होते हैं जो कि फोटोग्राफ लेते हैं अर्थ के सरफेस की बाय ओवरलैपिंग करके द स्टेप ऑफ लैंड, सो इसको हम एज अ फोटोग्राफिक सर्वे कहते हैं। सो थैंक यू, डेट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।